Hey guys, how are you? I'm sure आप बहुत अच्छे होंगे एंड इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं सनस्क्रीन के ऊपर. जैसा कि हम सब जानते हैं कि समर्स आ चुके हैं एंड समर्स में इनफैक्ट ऑल सीजन थ्रू आउट द ईयर्स हमें जो है सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए. इट्स वेरी नेसेसरी फॉर आवर स्किन. कई बार हमें फील होता है कि अरे यार विंटर्स है, धूप नहीं है, सो हमें क्या ज़रूरत है सनस्क्रीन की. बट नो गाइज, सन हमेशा रहता है, सन की यूवी रेज हमेशा रहती हैं, भले ही धूप हो चाहे ना हो. तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए. एंड जैसे कि समर्स आ चुके हैं तो समर्स में तो सनस्क्रीन एक मस्ट है, लेकिन एक्चुअली मार्केट में इतने सारे सनस्क्रीन अवेलेबल हैं कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, ये या वो या वो. सो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ VLCC का सनस्क्रीन. सो ये वो सनस्क्रीन है VLCC का, तो ये मैंने अभी जल्दी ख़रीदा है और मैंने इसे अपने हॉल में भी शामिल किया था, आपने ज़रूर वो देखा होगा. सो ये जो सनस्क्रीन है ये आता है मैट लुक के साथ. सो जिनकी ऑयली स्किन है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपकी स्किन को और ज़्यादा ऑयली नहीं फील करवाता है. ये मतलब आपकी स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है वेरी नाइसली. और ये है SPF 30 के साथ और इसमें है PA++. और ये जो है बिल्कुल चिपचिप फील नहीं करता है. मैंने इसे यूज़ किया है और ये बहुत जल्दी सोक इन हो जाता है और आपकी स्किन लाइक बिल्कुल एक मैट लुक के साथ रेडी रहती है. ये इसका मैं सब इसका प्राइस एंड सब कुछ मैं नीचे बॉटम बार में शेयर कर दूंगी, सो आप वहाँ चेक कर सकते हैं. तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी. सो ये मैंने यहाँ पे अपने हाथ पे वो सनस्क्रीन को लिया है. बहुत थोड़ा सा अमाउंट यूज़ होता है, आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इवनली स्प्रेड आउट होता है. लेट मी जस्ट यूज इट फॉर यू. ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है मेरे हाथ में और बिल्कुल भी ये चिपचिप फील नहीं कर रहा, बिल्कुल अब्सॉर्ब हो चुका है एंड बहुत ही एक स्मूथ सरफेस है. और जैसा कि इसमें मेंशन है ये एक मैट लुक सनस्क्रीन है. सो एज़ यू गाइज कैन सी, और एक बहुत अच्छा सा एक इवन सरफेस आपको प्रोवाइड करता है ये. सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है या नॉर्मल स्किन है. फॉर ड्राई स्किन आई वुड नॉट रिकमेंड इट, क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया था एंड मुझे थोड़ी सी फ्लेकीनेस फील हुई अपने ड्राई स्किन पे. सो अगर आपकी स्किन नॉर्मल से ड्राई है सो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्सेस ड्राई है सो प्लीज़ अवॉइड इट. सो यस, एंड एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, जब भी आप कहीं जा रहे हों बाहर, भले ही वो शाम का वक्त हो, आप सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें. और कई बार क्या होता है, हम घर पे हैं, हम सोच रहे हैं अरे यार क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ तो धूप नहीं आ रही. लेकिन रिमेम्बर, आपकी खिड़की से धूप आती है और उसके यूवी रेज आपके रूम में आते हैं और आपके ऊपर भी आ सकते हैं. सो सनस्क्रीन ज़रूर अप्लाई करें. एंड अगर आप कहीं जा रहे हैं फॉर योर ऑफिस, फॉर योर कॉलेज या कहीं घूमने जा रहे हैं, तो जाने के 20 मिनट आगे आपको ये सनस्क्रीन या और कोई भी सनस्क्रीन जो आप यूज़ कर रहे हैं उसे आप अप्लाई कीजिएगा, तो फिर उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे. तो ये था मेरा
VLCC का मैट लुक सनस्क्रीन। सो मैं ये वीडियो यहीं पर रिवाइंड अप करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अभी, क्योंकि मैं आपके लिए और भी ऐसी अच्छे अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आती रहूँगी। सो कीप ऑन वॉचिंग।